अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अली कुमैल एंड यू आर वाचिंग CDB प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रायवन रोड लाहौर की एक अहम तरीन शाहराह है, जहां पे आपको बहुत सी वेल नोन सोसाइटीज़ मिलती हैं और इन्हीं सोसाइटीज़ में एक टॉप ऑफ द सोसाइटी बहरिया ऑर्चर्ड की भी है। बहरिया ऑर्चर्ड के तमाम फेजेज़ में से किसी एक फ़ेज़ की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ अरसे से फेज़ 4 में बहुत ज़्यादा हमारे क्लाइंट्स का ट्रांजेक्शन का रुझान देखने को मिला है। इवन फेज 4 डिस्कशंस में भी बहुत ज़्यादा इन रहा है और इवन इसके अलावा हम भी अपने तमाम तर क्लाइंट्स को फेज 4 हाईली रिकमेंड करते हैं। तो फिर आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इवन फेज 4 ही क्यों, जबकि फेज 1 में फेज 2 में आपको ज़्यादा अमेनिटीज़, ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि हमारे इन्वेस्टर्स का फेज 4 की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है और इवन हमारे एंड यूज़र्स जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देख रहे हैं उनका भी फेज 4 की तरफ एज कम्पेयर टू फेज 1 या फेज 2 इवन फेज 3 ज़्यादा तवज्जो रहती है और वो ज़्यादा कंसिडर फेज 4 ही को क्यों करते हैं। व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रेंस की ही बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड के तमाम फेजेस में जो गेट्स हैं वो एक वाइड ओपन गेट्स हैं और बड़े ही वहाँ पे आपको अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। अगर लेट सपोज फेज़ 1 की ही बात की जाए तो फेज़ 1 में आपको ब्रॉडवे हाइट्स, इवन ब्रॉडवे हाइट्स के साथ आपको डिफरेंट कमर्शियल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। फेज़ 2 की अगर बात की जाए तो फेज़ 2 में आपको बिल्कुल सराउंडिंग में बहुत ही खूबसूरत पार्क्स देखने को मिलते हैं। फेज़ 3 के गेट की अगर बात की जाए तो फेज़ 3 का गेट थोड़ा सिंपल है लेकिन आपको सराउंडिंग में बहुत वाइड ओपन बुलेवर्ड और वाइड ओपन एरिया देखने को मिलता है। सेम लाइक अगर फेज़ 4 की बात की जाए तो फेज़ 4 एक ऐसा आपको वाइड ओपन गेट मिलेगा जो इन फ्यूचर जहां पे आपको वाइड ओपनिंग होगी, 160 फीट का वाइड बुलेवर्ड होगा, बल्कि ना सिर्फ इसके सराउंडिंग में आपको वाहिद ऐसा ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल हब मिलेगा जहां पूरे रायवन रोड पे आपको ऐसा ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल हब कहीं नहीं मिलेगा। तो व्यूअर्स, ये एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन होगी जहाँ पर आपको वेरी वेल नोन डिवेलपर्स के डिफरेंट मेगा हाई रिस्क प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सराउंडिंग में 5 से 6 मॉल बनने जा रहे हैं और जिसमें SQ मॉल है, क्यू बाज़ार है, टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया है, ऑर्चर्ड मॉल है और इवन के हमारे अरेबियन मॉल में भी हैं। तो इन तमाम अतर मॉल्स की अवेलेबिलिटी में एक मुकम्मल ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल हब जहां वाइड ओपनिंग के साथ आपको ये सब चीज़ें देखने को इन फ्यूचर मिलेंगी। तो व्यूअर्स, आप बखूबी इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं जैसे ही ये तमाम तर मॉल्स बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की एंट्रेंस में मुकम्मल और कम्प्लीट हो जाएंगे, उस वक्त जो बड़ी एक आइडियल सिचुएशन होगी और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ना सिर्फ उस वक्त ये बहरिया ऑर्चर्ड के तमाम फेजेस में से सबसे बेहतरीन और बेस्ट एंट्रेंस होगी बल्कि बहरिया के सराउंडिंग तमाम तर रायवन रोड की सराउंडिंग सोसाइटीज़ में भी बेस्ट एंट्रेंस और इसके अलावा नंबर 1 कमर्शियल एक्टिविटीज़ का फर्स्ट फेज़ कहलाया जाएगा। तो व्यूअर्स, जब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन फ्यूचर देखने को मिलेंगी, जाहिर बात है अट्रैक्शंस हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन फ्यूचर ब्रांड्स भी देखने को मिलेंगे और आपको इसके साथ साथ एक पॉजिटिव आपका एक कॉम्पिटिशन होगा, डिवेलपर्स का आपस में पॉजिटिव कॉम्पिटिशन होगा। हर डिवेलपर की ये कोशिश होगी कि वो अपनी डिवेलपमेंट को, अपने प्रोजेक्ट की डिवेलपमेंट को एज सून एज अर्ली उसे कम्प्लीट कर सके ताकि वो मैक्सिमम ब्रांड्स को एक्वायर कर सके। तो उस वक्त एक इंतहाई पॉजिटिव आइडियल सिचुएशन होगी हमारे एंड यूज़र्स और इवन इन्वेस्टर्स के लिए और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उनको 100% एप्रिसिएशन के चांसेस आपको वहां पे मिलेंगे। इसके अलावा हमारे फेज 4 के जो रेजिडेंशियल्स होंगे, जब उनको क्लोज बाय तमाम तर ब्रांड्स, तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम एक्टिविटीज़ और कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्लोज बाय मिलेंगी, तो ऐसा इन फ्यूचर आप देखने में मुमकिन ही नहीं लगता कि हमारे तमाम रेजिडेंसेस या फिर इवन जो हमारे एंड यूज़र्स हैं वो किसी फेज़ 4 से इवन बाहर भी जाएंगे इन फ्यूचर किसी भी तरह की कोई शॉपिंग के लिए। वो बिल्कुल कोई IT से रिलेटेड ही क्यों ना हो, कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो सकती है, डिफरेंट शू ब्रांड्स हो सकते हैं, गारमेंट के डिफरेंट ब्रांड्स हो सकते हैं, जिम हो सकता है, इवन स्विमिंग पूल एरियाज़ हो सकते हैं और इवन आपको यहाँ पर कॉस्मेटिक ऑप्शन ही क्यों ना हो।
हूँ। जब हर चीज़ आपको क्लोज बाय अवेलेबल होगी तो उस एरिया की, उस फेज़ की 100% सराउंडिंग एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा डिमांड होगी, और ज़्यादा डिमांड का मतलब ये है कि आपकी प्राइसेस कभी भी किसी भी टाइम प्लॉट्स की प्राइसेस डेप्रिशिएट नहीं करेंगी। 100% आपको यहाँ पे प्लॉट्स में, इवन आपकी इन्वेस्टमेंट में एप्रिसिएशन इन फ्यूचर देखने को मिलेगी। तो व्यूअर्स, एक यही एक अहम रीज़न है कि जब से फेज़ फोर में तमाम कमर्शियल हाई रिस्क प्रोजेक्ट पे काम होना शुरू हुआ है, हमारे इन्वेस्टर्स और इवन एंड यूज़र्स का फेज़ फोर में प्लॉट की इन्वेस्टमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है। वो प्लॉट की इन्वेस्टमेंट्स को इवन बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, और इवन जो भी प्राइसेस में उनको प्लॉट्स मिलते हैं उनको वो कंसीडर कर रहे हैं। उसकी एक अहम वजह यह है कि प्राइसेस के यहाँ पे रिवर्स होने का कोई जवाब ही नहीं बचता जब आपको क्लोज बाय इतने ज़्यादा अट्रैक्शंस और इतने ज़्यादा मॉल्स की कंस्ट्रक्शन वो भी एंट्रेंस में देखने को मिल रही हो। तो बिल्कुल इस चीज़ को रिस्क फ्री लेते हुए हमारे इन्वेस्टर्स का और हमारे इवन एंड यूज़र्स का फेज़ फोर में स्पेशली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा तवज्जो देखने को मिली है। इसके अलावा एक अहम चीज़ आपसे साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जिस वक्त हमारे मोस्टली क्लाइंट्स बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे 10 मरले का प्लॉट 10 से 20 की प्राइस में उनको प्राइस कोटिंग होती है, तो उनका तवज्जो बिल्कुल 100% फेज़ फोर की तरफ उससे पहले हो जाती है। उसकी वजह ये कि यहाँ पे आपको तकरीबन 60 से 70 की रेंज में भी एक 10 मरला का अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है। तो कम प्राइसेस में रहते हुए और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस के क्लोज बाय एंट्रेंस में होते हुए यहाँ पे हमारे इन्वेस्टर्स और इवन जो एंड यूज़र्स हैं वो अपनी प्लॉट इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा इस वक्त कंसिडर कर रहे हैं। सेकेंडली व्यूअर्स, फेज़ फोर में हमारे एंड यूज़र्स और इवन क्लाइंट्स का बहुत ज़्यादा तवज्जो की एक ये भी वजह है कि जो हमारे क्लाइंट्स मोस्टली बजट का थोड़ा इशू रखते हैं, उनके लिए फेज़ फोर के अंदर बहुत ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिल जाती हैं, जहाँ पे आपको इवन कमर्शियल शॉप्स भी मिलती हैं, इवन कमर्शियल अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और जहाँ पे आपको रिस्क फैक्टर बिल्कुल ज़ीरो पे है, जहाँ आप बिल्कुल ये रिस्क नहीं ले सकते कि आपको इन फ्यूचर किसी किस्म का भी आपकी कैपिटल अमाउंट में किसी किस्म की कोई डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। क्योंकि आने वाले वक्त में जूं जूं ये मॉल्स, ये हाई रिस्क प्रोजेक्ट अपनी कंप्लीशन की तरफ पहुंचेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट में इन फ्यूचर आपको एप्रिसिएशन ही देखने को मिलेगी, जो इवन आपके लिए एज ए रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, इवन एज ए रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, इवन आप रीसेल में भी इन ऑप्शंस को इन फ्यूचर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस मॉल आप इनको कंसिडर कर सकते हैं और आप एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये कुछ अहम रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे तकरीबन मोस्टली क्लाइंट्स का फेज़ फोर में प्लॉट्स के हवाले से, इवन इंस्टॉलमेंट प्लान्स पे डिफरेंट ऑप्शंस के हवाले से बहुत ज़्यादा तवज्जो और बहुत ज़्यादा रुझान देखने को मिला है एज़ कम्पेयर टू फेज़ वन, इवन फेज़ टू एंड इवन फेज़ थ्री। इसके अलावा व्यूअर्स, FPR की तरफ से जब से टैक्सेस में एक नई क्लॉज इन्होंने इंक्लूड की है, जहाँ पे आपको बाइंग और सेलिंग के हवाले से डिफरेंट टैक्सेस से गुजरना पड़ता है, स्पेशली LDA अप्रूव्ड एरिया में, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा रुझान स्पेशली फेज़ फोर की तरफ मूव किया है, जहाँ पे अभी प्राइसेस जो हैं एज़ कम्पेयर टू फेज़ वन या फेज़ टू बहुत ज़्यादा रिड्यूस हैं। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको FBR की तरफ से LDA अप्रूव एरिया होने की वजह से यहाँ पे आपको इवन टैक्सेस जो हैं वो करंटली इस वक्त आपको टैक्सेस की, किसी किस्म की जो टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलती। तो ये एक प्लस पॉइंट होने की वजह से हमारे क्लाइंट्स की तवज्जो इस वक्त टैक्सेस से सेफ ट्रांजैक्शन की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व है, और वो आपको फेज़ फोर में ही मिलती है। फेज़ फोर में आपको टैक्सेस से हटके जो FBR की तरफ से बाइंग और सेलिंग पे जो आपको टैक्सेस इस वक्त इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं आपको फेज़ फोर में नहीं मिलते, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे मोस्टली क्लाइंट्स जो फेज़ वन में अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड करके बैठे हुए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने फेज़ वन से अपनी इन्वेस्टमेंट को फेज़ फोर की तरफ मूव कर रहे हैं। व्यूअर्स, यही चंद अहम वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड में
फेज़ फोर को इस वक्त एक हॉट फेज़ कंसीडर किया जा रहा है एज़ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इवन एज़ पर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये फेज़ फोर के हवाले से, अगर प्लॉटिंग के हवाले से आपके माइंड में हमारे लिए किसी किस्म की कोई कंसल्टेंसी या आपको फेज़ फोर के हवाले से इवन यहाँ के डिफरेंट प्रोजेक्ट में कमर्शियल एक्टिविटीज़ और जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेंगे उस हवाले से किसी किस्म की कोई कंसल्टेंसी या फिर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई क्वेरी हो, आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स 0333-111-5400। वेबसाइट लाजमी विजिट करिएगा, इट्स www.cdbrealestate.com। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके साथ एक फिर नई वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।